अब बंदर से पुरुष ना बन पाए, और जब पुरुष ना बन पाए तब वो बंदर जो था मन में अब पछताए करूं क्या, हाय दुखी दिल भारी। और मन में अधिक विचार कैसे हुई है गुजरा हमारी, उसी समय वो बंदर जो हतो बिचारो जब याद आते सोई बताल में कूद जातो है, लेकिन हो तो कछु ना लला। और जब कछु ना हो तो ऐसो बंदरिया की याद में परेशान हो के जारो बार ढूंढन लगो। जब भाई बरगद की खोह में देखी है वो लड़की बैठी है, तब वाले सारी बात बताई कि महाराज मैंने तुम्हें बहुत जगाया लेकिन आपने कुछ सुना ही नहीं। फिर जो हते वे दोनों बंदर और वो लड़की, अब लड़की थी तो उसकी पत्नी लेकिन शरीर बदल गया। दोस्तों कर रहे न लगे हैं भाई वृक्ष पे बे दोनों, भाई एक बंदरू एक नारी जी। बाकी जीव का चलते कि न की पर लड़की जो बंदरिया से लड़की बन गई। ऐसो भाव एक दिन के इसी तरह से बागन बीच में रहते समय बिताई गए। वे दोनों कौन, दोनों बंदर और वो लड़की, खेलन चलो शिकार भूप भाई बन में पहुंचो जाई रे। एक राजा शिकार खेलन आओ लला, सो भाई बन में और भाई बरगद के वृक्ष से पहुंचो, लेकिन लड़की तब बाहर बैठी हती, लेकिन राजकुमार को आज भो देखो नगिन हती बस रहते ना। देखो लला बिजली जैसो करंट दौड़ी गो,
मन में सोचन लगो कितनी सुंदर है ये लड़की। जैसे ही बाने में लड़की को देखो मन में सोचन लगो जो तो हमारी औरत बने तो ज्यादा बढ़िया है, मन में जो रात कैसे है जाए किन्ने छुड़वाए दो जो तो बड़ी सुंदर है। फिर ऐसो बहु लाला बाने अपन घोड़ा बहते कोड़ा जो हतो से नीचे डाल दो वही बरगद के वृक्ष से और जब कही के ऐसो करो लली जो कोड़ा ने घा में पकड़ा दो। तो बोली है बिटिया मैं नगीना हूँ परदेसी कोई कैसे आऊं तेरे पास जी। लड़की बोली मैं तो नगीन है सोई बिन्ने ऐसो करो जो दुपट्टा आप उठा रहे हैं तेरा उतारी के घोड़ा पे तो फेंक दो ले हो पहले चक्कर है। अब लड़की ने भी पहरो घोड़ा उठाओ हाथ बढ़ाओ घोड़ा देना को मेरे भैया घोड़ा पे लिए बैठा ऊपर बढ़ाओ सोई बाने कोड़ा कोड़ा को पकड़े बाने हाथ पकड़ो और घोड़ा पे बैठा लई और लेके चलन लगो। अब लड़की रोन लगी और कान लगी भैया भैया तुम्हें मेरी कसम है तुम मुझे अपने साथ लेके मन जाओ क्योंकि मेरे पति मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन बाने नहीं सुनी भूपने बानी और घर लेके जीत जाने खानी तरह
परेशान है और दोनों हाथ जोड़ के समझान लगी, भैया भैया हमें तुम अपने साथ मन ले जाओ, क्योंकि हमारे पति मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। उसी समय लड़का वो कहने लगा, राजा कि देखो तुम्हें हमारी स्त्री बनकर के रहना होगा, और हमारी स्त्री, अब एक बात बताओ तुम कैसी नाजुक बदनी नारे हो, और कहां एक बंदर के चक्कर में, अरे राम, वो भी बात छोड़ो, दूसरी बात ये बन के बीच में तुम रह रही हो अकेली, अच्छा नहीं लगता। तो वो लड़की ने सोची कि अब हमारा धर्म नहीं बचेगा, तो बात बदल करके वो लड़की बोली कि 12 बरस बबूला रहो परदेसी, कोई शादी करेंगे तेरे साथ जी, 12 बरस बबूला रहो परदेसी, कोई शादी करेंगे तेरे साथ में। 22 समय पे लड़की बोली हो जति करो लड़की कहने लगी कि देखो 12 साल तक तुम हमारे पिता के समान हो और 12 बरस के बाद में मैं तुम्हारी स्त्री बन के रहूंगी। राजा सोचन लगो 12 साल ही कितनी देर, कल भाई जाती अब उन कबहू तो हमारी औरत बने है, अब काहे की चिंता है। उसी समय लड़की जो हती सो हुन रान लगी, कहां लला, राजा के घर है। राजा के घर है जब रही तो पूरे शहर में खबर फैल गई कि राजा ब्याह कर लाओ, सब औरतें मोहल्ला की भाज परी, चलो देखी आए बहू कैसी है कैसी ना है, सब जुरियाई घर नारी है, देखे कैसी वो कुमारी है भैया, कैसी सूरत प्यारी प्यारी है, जाको घर में सब देखवे के लिए दौड़ी, और ऊए किए बंदर जो हतो सो आओ लौट के। तब तो बंदर ने देखी नारी तो खाई पछार गई का नारी, क्या देखी अकेली औरत को के खाएगा शेर शिकारी। अरे भैया बंदर को हाल बेहाल होएगा कि हमारी स्त्री कहां चली गई, कोई जंगली जानवर खा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो वो बंदर वह लड़की की बिरह वेदना में परेशान है, मन में सोच रहा है कि हमारी स्त्री न जाने कहां चली गई, मैं अपनी औरत के बगैर जीवित नहीं रह सकता। अब जब ही बिने लला सुत्ते आते सोई वह पेड़ पचड़ाता है तालम कूदी पत्ता, लेकिन वो तो कछु रहा है। अब ऐसो भाव ये तो वो बंदर परेशान हो गया और ऊए वह लड़की ने जो बाप बनाए ले आते ना राजा, उनसे जे कही के पिताजी हम बंदरन को नाच देख वो चाहते हैं और हम उन्हें इनाम दिए किने जो बंदर को नाच दिखाएता है। अब बच्चा सोचन लगी कहूं ऐसो न हो जो कहूं बेहू बंधे न चले आए। तो ढोल पिटायो कन्या शहर में मेरे भैया, कोई नौकरुआ बाज लगाई जी। ढोल पिटायो कन्या शहर में मेरे भैया, ढोल पिटाओ बिटिया शहर में मेरे भैया, कोई नौकरुआ बाज लगाई जी। ढोल पिटायो बिटिया शहर में मेरे भैया, कोई नौकरुआ बाज लगाई जी। नौकर ने जब जा बाज लगाई कि नई लड़की जो आई है वो बंदर को खेल देखे वो चाहते हैं, सो जबात सुन के सब मदारी बाज। बंदर मदारी लेके संग में मेरे दादा, कोई खेल दिखा बनाया ही जी। मदारी जार बार से बंदर पकड़ के लात खेल दिखात और इनाम लेके घरे जात, फिर ताके बाद में एक दिन ऐसो भाव के बेई कौन से बे बेचारे कछ नाच वो कूद वो जानतना आते, सो एक मदारी गौ सो रोटी डातुरो भे ढेंगा डाल लई सोई माने हाल ही ऊपर तक गिरे परो खोरे आए लई और बांध के उन्हें उनके पति को। वो लड़की की लड़की उत मेलन में रोवे, उत बन बीच में बे पछतावे, जब मदारी ने पकड़ लाओ और पकड़ के तो एक दिन बैठे बाकी में मेरे भैया, कौन बंदरो तो ले पीछे लो है दवाई जी। Mama!
पत्नी और जो बिन्ने दूर से देखो समझ गई मुझे लगते आज बंधे चले आए रहे हैं। दूरी से देखो पहचान लाओ मेरे भैया कोई लागता कम था हमारी जी। दूर से देखो पहचान लाओ मेरे भैया कोई बड़े परेशान तो लड़की पहचान गई और सोचने लगी कि हमारे पति की बड़ी खुआरी है। वो बात बदल के बोली वो मदारी से आप तुम एक काम करो अरे जो चाहे सो मांग बिरन ये बंदर दे बंदर और बंदरिया जो बन गए हते सोई बिने याद आई गई और बिने मदारी से वो बंदर तो छुड़ाए लो और छुड़ाएवे के बाद में जब घर में बंदर को रखने लगी है वो लड़की कौन लड़की वही लड़की जो बंदरिया से लड़की बन गई थी। अब ऐसा हुआ कि वो बंदर से बहुत भारी प्रेम रखती है क्योंकि उसका पति था। एक दिन ऐसा भाव कि वह लड़की वो बंदर को वन छोड़ के चली गई। अब राजा की बहनें आएगी सोचने लगी जब रोज नाच देखते आज हम तुम देख ले सो बांध के बंदर को चली गई। अब जाओ से लकड़िया छेदत तो बेचारे बार कूद गिरपत भाव से छेदत तो बार कूद ऐसो भाव के खटिया की धोल मुझी गई सो बे खींचे भारी गए और जब वे मरी गए और बाके बाद में जब लड़की आई तब तो लड़की अपने पति की लहस पर यानी वो था तो बंदर लेकिन उसका पति था तो लेके बंदर बैठी आगे में सुकुमारी कोई सबा बंदर को लेके मैंने चिता बनाई
और भाई चिता में जब बैठी गई सब लोग बड़े परेशान ही ऐसो भाव धन्य धन्य दोषी नारी को पति बिरता तूने लीलो है धर्म का माई जी धन्य धन्य दोषी नारी को पति बिरता तूने लीलो है धर्म का माई अब तो अब बंदर को लेके जब चिता में बैठी गई और भैया बे अबे जो राजा चुराए के ले गए हते बलड़की को बे तो हुआ के वहीं रह गए अब भाव ऐसो के बल लड़की जो हती सो बंदर के संग में सती हुई गई लला जब बंदर के संग सती हुई गई चिता एक और बामे लपटे तुई निकल रही तुई अब रात को समय जब भाव तो भोला और पार्वती जी निकरे तो पार्वती ने जो कही कि महाराज जन है समझ में आए कि जब चिता एक है और दो लपटे क्यों नहीं कर रही तब बोला ने नारे समझ आई क्यों बेमतलब लड़ते लड़ाई कर रही एक लड़की जली और एक बंदर जलो है पार्वती जी बोली समझ में नहीं आई कि बंदर के संग में लड़की सती भाई ऐसो का चक्कर बनो तो जवाब दो देखो जन्म जन्मांतर जे एक दूसरे का साथ छोड़ नहीं सकते और जब बंदर और बनरिया बन गए हते कुमार कुमारी हते और भैया जवाब दो पार्वती ने ऐसो करो जा जिंदा कर दे बोले अभी नहीं अब जे अगले जन्म में जाके दोनों मिलेंगे श्रोताओ तो भोले बाबा ने पार्वती जी को समझाए दो और ताके बाद में वे दोनों जब हुवन जल के खत्म हो गए बा के बाद के बिटिया जन्मी जा